अरे पकड़ो ना यार, पकड़ो ना। शिक्षण, चल रहे हैं। अरे क्या शिक्षण? अंदर भूत है, पता नहीं क्या भूत। हाँ, हमारी मम्मी कहती है कि काकोली दीदी अपने घर में भूतों को बुला के बात करती है। हम काकोली दीदी के पास म्यूजिक सीख लेते, वो हमको नहीं डराएगी। हम बॉल लेके आते। अरे चलो हेल्प करो, चलो। काकोली दीदी, ये कौन सा राग है? ये राग है। कहते हैं राग गाओ तो आत्माएं आती है। अरे डरो मत, आत्माएं बुरी चीज नहीं होती है। कहते हैं आत्मा ही हमें परमात्मा से मिलाती है। तो गाओ अमा शोंगे, गाओ। सा गा मा धा नी झारखंड के धनबाद की रहने वाली काकोली के बारे में ये मशहूर था कि वो ब्लैक मैजिक करती है और आत्माओं को बुलाकर उनसे बातें करती है, और इस बात पर विश्वास भी किया जाता था। ज्यादातर लोग मानते थे कि म्यूजिक टीचर काकोली ने म्यूजिक सिखाना छोड़कर अपने आप को बाहरी दुनिया से कट ऑफ कर लिया था, और वो हमेशा तंत्र साधना में लीन रहती थी, और उसका भाई सौरभ उसका पहरेदार बनकर उसे सबके लिए सपोर्ट किया करता था। ये वाला लाल भैया, काकोली दीदी को ये वाला लाल नहीं चाहिए। तो कौन सा लाल? वो होता है ना, वो खून जैसा लाल। बुला कर जल्दी, ये सब काकोली के काले जादू का असर है। जल्दी करो। काकोली दीदी, सॉरी दीदी, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप करिए म्यूजिक प्रैक्टिस, हम आते हैं। अच्छा हाँ दीदी, एक और चीज, आपका फेवरेट लाल दुपट्टा एक बार ट्राई कीजिए, लगता है पिज्जा वाला आ गया होगा। दीदी हम इसे यही रख देते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा। पहले काकोली दीदी बहुत अच्छी थी, मुझे म्यूजिक सिखाती थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो भूत बुलाती है। भूत भूत कुछ नहीं होता बेटा। एक्स्ट्रा चीज है ना? हाँ भैया, जैसा काकुली दीदी को पसंद है बिल्कुल वैसे ही बनाया। वो तो दीदी फेस करने के बाद ही बताएगी।
थैंक यू। सुन सर, ये आपकी मेडिसिन का वक्त हो गया है। अरे हमारा मेडिसिन का वक्त रोज होता है, लेकिन पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब काकोली अपना जंतर मंत्र से दिमाग हटाएगी। आपको भी ऐसा लगता है कि काकोली मैडम जादू टोने की प्रैक्टिस करती है? कुछ तो करती है, तभी तो सौरभ के अलावा किसी को अपने कमरे में आने नहीं देती है। दीदी पिज्जा आ गया। लेकिन आज हम पता करके रहेंगे वो करती क्या है। काकुली को बुला, हमको उससे बात करनी है। मामा आप जानते हैं ना, दीदी ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, वो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बाबा ये आपने अच्छा नहीं किया। बात सुन, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आज के बाद हम आपके लिए मर चुके। देख सौरभ, हम जानते हैं कि काकुली हमसे नाराज है, वो हमसे तो मिलेगी नहीं, बात नहीं करेगी, इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उसे तंत्र मंत्र के चक्कर से दूर कर। पापा उनको ये सब करके सुकून मिलता है, और दीदी पूजा करे कुछ भी करे हम उनको क्यों रोके। आप प्लीज उनको शांति से पूजा करने दीजिए। क्या पूजा, पता नहीं क्या उठपटांग करती रहती है। आप नहीं चलेगा ये सब। सर सर क्या हुआ? ये ले, रख ले तेरे 3 महीने की तनख्वाह, बस अब आने की जरूरत नहीं है। हट जाइए, हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। अंदर चलो, दौड़ो। सर हम यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं, रात को सोने के वक्त जब हम खिड़की बंद करने के लिए उठे तो देखा कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। अगर धुआं रात से ही उठ रहा था तो आपने रात को चेक क्यों नहीं किया? सर इस घर से 24 घंटा धुआं निकलते ही रहता है। मतलब वो क्या है ना सर, भवानी जी की बेटी काकोली तंत्र मंत्र करती रहती है, इसीलिए उसके रूम से हमेशा धुआं उठता रहता है। तो अभी कहाँ है उनकी बेटी? सर वो तो पता नहीं, वैसे भी वो कम ही दिखती है। जब से भवानी जी से अलग हुई है ना, तब से वो घर का बंटवारा करा के भवानी जी के बेटे के साथ फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गई है, इसीलिए भवानी जी ने भी अपनी देखभाल के लिए साहब एक नर्स रख ली थी। नर्स कौन? मंजू नाम है उसका। तो अभी कहाँ है वो? सर वो भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। भवानी जी की बेटी के साथ भवानी जी का बेटा यहीं रहता था? जी सर। उसका रिश्ता कैसा था भवानी जी के साथ? हमें तो लगता है कि काकोली ने उस पे भी जादू टोना कर रखा था और उसे अपना पहरेदार बना रखा था ताकि उसकी तंत्र विद्या पर कोई भी बाधा न डाल सके। क्या नाम बताया आपने भवानी जी के बेटे और बेटी का? सर बेटी का नाम काकोली और बेटे का नाम सौरभ। सर कमरे से केरोसिन बॉक्स और मैच बॉक्स मिला, ऐसा लगता है किसी ने भवानी सिंह को जानबूझ के जलाया। सर ये देखिए, ये खिड़की भी खुली हुई मिली थी और सर यहाँ से ये टूटी भी हुई है। सर ऐसा लगता है पहले भवानी सिंह को किसी ने अंदर जलाया और उसके बाद ये दरवाज़ा बंद करके खिड़की से वो बाहर भाग गया। पड़ोसियों ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पे भवानी सेन का बेटा और बेटी रहते थे और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भवानी सेन के साथ एक नर्स रहती थी, और अभी तीनों गायब है। सर इस कमरे से ये फ़ोन भी मिला है, हो सकता है ये भवानी सेन का हो और इसमें उन तीनों के नंबर भी हों। चेक करके देखो। ओके सर। हेलो। हाँ भवानी सर।
हेलो सर, सर भवानी की नर्स मंजू और सौरभ से तो बात हो गई है, लेकिन काकोली का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। सौरभ से जब उसकी बहन काकोली के बारे में पूछा तो उसने कहा कि कल रात से वो काकोली को ही ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा है मतलब? सर उसका कहना है कि काकोली कल रात से कहीं चली गई। हम कहे थे बाबा से काकोली दीदी से मत मिलो। ये सब बाबा की गलती है, काकोली दीदी की गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है बाबा की वजह से हुआ है। हमारी काकोली दीदी बहुत अच्छी है कि कोई गलती नहीं। भवानी की लाश मिलने के बाद से ही अंदाजा लगाया जाने लगा कि भवानी की हत्या को आत्महत्या की शक्ल दी गई है। काकोली का फोन बंद होना यह संकेत दे रहा था कि शायद वो अपने पिता की हत्या करके फरार है। लेकिन क्या वजह थी कि इस सब के लिए सौरभ अपने मृत पिता को ही कोस रहा था? इस केस में काकोली और सौरभ की भूमिका जितनी सस्पिशियस थी, उतना ही सस्पिशियस ये भी था कि दिन रात भवानी सेन के साथ रहकर उसकी देखभाल करने वाली नर्स मंजू तब कहां थी जब भवानी जलकर खाक हो रहा था। सर, कल भवानी सर ने हमको जॉब से निकाल दिया था, उसके बाद हम अपना सारा सामान लेके अपने घर झरिया आ गए। कल ही उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाला और कल रात को ही उनकी मौत हो गई। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस झूठ पे हम विश्वास कर लेंगे? सर, हम झूठ नहीं बोल रहे। कल भवानी सर, काकोली मैडम और सौरभ का झगड़ा हो रहा था। पिछले 6 महीने से भवानी सर काकोली मैडम को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काकोली मैडम उनकी शक्ल देखना पसंद ही नहीं करती थी। सुन तो, काकोली, काकोली बेटा, बेटा सुन तो, काकोली। पर पता नहीं कल क्या हुआ, भवानी सर काकोली मैडम से मिल के आए तो बहुत टूटे हुए लग रहे थे। ये ले, रख ले तेरे 3 महीने की तनख्वाह, बस अब आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये बात सच है, इसका कुछ सबूत है तुम्हारे पास? सर सबूत कहाँ से? हाँ सर, कल जब हम जा रहे थे तो सौरभ ने हमको जाते हुए देखा था। हाँ सर, हमने मंजू को अपना सामान लेकर घर से बाहर जाते हुए देखा था, और फिर जैसे हम अपने कमरे में गए तो दीदी वहीं से चली गई थी। हम तब से काकोली दीदी को ढूंढ रहे हैं, उसके बाद घर में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। सौरभ, ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हें पता हो कि काकोली कहाँ है। सर, हम जानते हैं कि हमारी दीदी गायब हुई है, लेकिन आप उन पर ऐसे शक नहीं कर सकते। चलो शक नहीं करते, लेकिन एक बात तो पक्का है ना कि काकोली और तुम्हारे फादर के बीच में झगड़ा चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों फर्स्ट फ्लोर पर रहने चले गए? ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है। तुम्हारे फादर का मर्डर हो गया और तुम पर्सनल मैटर की पीपड़ी बजाए जा रहे हो? सर प्लीज़ फोर्स मत कीजिए, हम नहीं बता सकते आपको। हमको नहीं पता कि काकोली मैडम और भवानी सर के बीच में झगड़ा क्यों हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से काकोली मैडम ने भवानी सर से बात करना बंद कर दिया और ऊपर वाले कमरे में अकेले में कुछ तंत्र साधना करने लग गई। दीदी को पूजा करके शांति मिलती है, इसलिए वो पूजा करती है। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम्हारी दीदी काला जादू किया करती है। हाँ सर, लेकिन उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, वो दुखी थी, उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया था, हमसे भी कम बात करती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। पर अब दीदी कहा है सर, हमें नहीं पता। सौरभ एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर हमें पता चला कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी कहाँ है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यही नंबर है ना तुम्हारी दीदी का, और तो कोई नंबर नहीं है? नहीं सर। तुम्हारे फोन में तुम्हारी दीदी का तो फोटो होगा ही, दिखाओ जरा। चलो मान लिया कि तुम सच बोल रही हो, पर क्या लगता है तुम्हें काकोली अपने पिता को जला के भाग गई? हमारे जाने के बाद वहां क्या हुआ हम नहीं जानते। हमने भवानी जी का फोन चेक किया, कल दोपहर 2 बजे उन्होंने किसी विक्रम भारद्वाज को फोन किया था। जानती हो ये विक्रम भारद्वाज कौन है? जी सर, विक्रम जी भवानी सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके फैमिली लॉयर भी। और हाँ, कल भवानी सर सुबह उनसे मिलने के लिए भी गए थे।
विक्रम भारद्वाज और भवानी सेन की मुलाकात का राज बहुत जल्द इस केस को एक नया एंगल देने वाला था, जो काकोली पर भवानी की हत्या करके भाग जाने का शक और पुख्ता करने वाला था। लेकिन नर्स मंजू भी शक के दायरे में थी और यह भी माना जा रहा था कि कहीं सौरभ के कहने पर वो भी तो काकोली को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। मंजू और सौरभ दोनों रडार में थे और काकोली को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। सौरभ, भवानी सेन, मंजू और काकोली के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे थे और वहीं विक्रम भारद्वाज और भवानी सेन की मुलाकात की वजह जानने की कोशिश भी की जा रही थी। भवानी को मर्डर? आप तो भवानी जी के दोस्त हैं, आपको किसी ने बताया नहीं? भवानी का कोई होता तो बताता ना। भवानी तो अपने बच्चों से तंग आ चुका था, कल भी आया था, रो करके गया। कल आपकी भवानी जी से क्या क्या बातें हुई? सर, भवानी ने पहले एक विल बनवाया था जिसके मुताबिक उनके बाद उनके घर और जायदाद के लिए नॉमिनी थे उनके बच्चे सौरभ और काकुली। लेकिन अब वो ये विल चेंज करके अब वो घर बेचना चाहते हैं। दरअसल उस घर के मालिक भवानी और उसके छोटे भाई सुब्रतो हैं। भवानी जी के भाई भी हैं? हाँ सर, सुब्रतो उनके छोटे भाई हैं। दरअसल ये मकान उनका पुश्तैनी मकान है, वैसे सुब्रतो वहाँ रहते नहीं हैं। पहले दोनों भाई ये मकान बेच करके अपना हिस्सा अलग कर लेना चाहते थे, लेकिन काकुली इसके सख्त खिलाफ थी। माँ की भावनाएं जुड़ी हुई है इस घर से। मैं अब भी उन्हें यहाँ महसूस करती हूँ। हम नहीं देंगे ये घर बेचने के लिए, कभी नहीं। अरे लेकिन बेटा सुन तो, सुनना। कल वो कह भी रहा था अगर इस बार वो घर बिका तो ठीक है, वरना ये घर कभी नहीं बिकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से काकुली ये अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रही है कि उस घर में कुछ आत्माएं आती हैं। इस बात से भवानी बहुत परेशान था। वो विल बदल करके अपने बच्चों को ये जताना चाहता था कि अगर उन लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो उन्हें बेदखल कर देगा अपनी जायदाद से। सर, भवानी के बेटा बेटी भवानी के पैसों पे पल रहे थे और उसी से नाता तोड़कर उससे अलग रह रहे थे। सौरभ जिस फैमिली मैटर के बारे में बोल रहा था, हो सकता है वो भवानी की विल से जुड़ा हो और इसी वजह से भवानी का मर्डर भी हुआ हो, क्योंकि भवानी अपनी विल चेंज करके अपना घर बेचना चाहता था। लेकिन काकोली तंत्र अंधविश्वास फैलाने के लिए कर रही थी या फिर कहानी कुछ और? भवानी के दोस्त लोअर ने बताया कि काकोली अपनी माँ से काफ़ी अटैच थी। हो सकता है काकोली के दिमाग में किसी ने अंधविश्वास डाला हो कि तंत्र के जरिए वो उसकी आत्मा बुला सकती। सर, काकोली का अगर किसी तांत्रिक से कनेक्शन है तो उसकी लीड उसके कॉल रिकॉर्ड से मिल जाएगी और ये लीड भी मिल जाएगी कि इस वक्त वो कहाँ पर है। काकोली का गायब होना उस पर शक तो खड़ा कर रहा है, लेकिन अगर भवानी के मर्डर का एंगल प्रॉपर्टी से जुड़ा है तो हमें भवानी और उसके भाई सुब्रतो का रिलेशन अच्छे से समझना होगा। क्योंकि भवानी की विल में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये बात साफ है कि भवानी के बाद उस घर पर सिर्फ सुब्रतो का हक है। इस सुब्रतो के बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो। ओके सर। हेलो। हेलो मंजू। सुब्रतो सर, हम कब से आपका फ़ोन ट्राई कर रहे थे। हाँ, वो मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। वो काकुली का कुछ पता चला? देखिए सर, हम बोल रहे हैं कि काकुली मैडम के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। अच्छा, सौरभ अभी कहाँ है? सर वो घर पे नहीं था, हम वहीं से आ रहे हैं। हेलो सर। सर, भवानी की नर्स मंजू के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 16 अगस्त की रात 10 बजे वो जरिया में थी जहाँ उसका घर है, लेकिन सर काकोली का फ़ोन 16 अगस्त की रात 12 बजे उसके घर के पास वाले एरिया में बंद हुआ था। हमें भवानी सेन की लाश 17 अगस्त की सुबह मिली थी। हो सकता है इनकी मौत भी 16 अगस्त की रात को 12 बजे के आसपास ही हुई हो। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर, लाश तो पूरी तरह जल चुकी थी इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन तो लग जाएंगे। सर, मैंने काकोली के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड को चेक किया। सर, पता चला पिछले 6 महीने में उसके फ़ोन से एक भी आउटगोइंग कॉल नहीं किया, सिर्फ इनकमिंग कॉल है, वो भी मोबाइल कंपनीज के या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज के। सर, मैंने काकोली के पिछले 6 महीने से पहले के कॉल रिकॉर्ड को भी चेक किया, एक भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो किसी तांत्रिक का हो। लेकिन सर, एक और बात पता चली है, ये मंजू भवानी के भाई सुब्रतो से फ़ोन पर लगातार बात किया करती थी। कहाँ रहता?
सुब्रत सेन जी, मेरा नाम सुब्रत सेन। हाँ सर, मैं अक्सर मंजू को फ़ोन करता था क्योंकि सर वहाँ दादा अकेले रहते थे और दोनों बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते थे, इसीलिए मंजू को फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछता था। तो आपको क्या लगता है, भवानी जी को इसलिए जलाकर मारा गया क्योंकि वो काकोली को ब्लैक मैजिक करने से रोकते थे, या फिर भवानी जी की मौत की वजह उस घर से जुड़ी है जो उनके मरने के बाद आपका हो जाएगा? नहीं सर, वो घर मुझे नहीं चाहिए, और वैसे भी अब वो घर कहाँ बिकने वाला है। लेकिन भवानी जी के लॉयर का कहना है कि भवानी जी वो घर बेचना चाहते थे, आपको इस बारे में पता था? जी सर पता था, दादा उस घर को बेचकर काकोली को उस तंत्र मंत्र से दूर ले जाना चाहते थे। आपके परिवार में और कौन कौन है? मैं, मेरे वाइफ और मेरी बेटी भी हूँ। बेटी कहाँ है? करीब 6 महीने पहले वो यहाँ बोल के गई कि कुछ दिन सौरभ और काकोली के साथ रहना चाहती है। फिर सर अगले दिन मैंने पीहू को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद था। उसके बाद मैंने सौरभ और काकोली को भी फ़ोन किया, लेकिन उन दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर सर मैंने थक हार के दादा को फ़ोन किया। सर सुब्रत तो दादा का फ़ोन आया है। बोलो दादा, ज़रा पीहू से बात कराइए। पीहू? पीहू तो यहाँ नहीं है। आपकी बेटी पीहू पिछले 6 महीने से गायब है और आपने पुलिस की मदद नहीं ली। पीहू का गायब होना जितना चौंका देने वाला था, उतना ही हैरान कर देने वाला यह भी था कि पीहू के गायब होने की कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब काकोली के गायब होने का राज क्या था, पुलिस को उसके बारे में कोई लीड नहीं मिल रही थी। और जल्द ही सौरभ के गायब होने की खबर सामने आई। सर सौरभ का फोन काफी देर से बंद आ रहा है और वो कल से घर भी नहीं पहुंचा। सौरभ के गायब होने के बाद पुलिस ने अब भवानी सेन के घर के फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे काकोली और सौरभ का घर सर्च करने का फैसला लिया। सर तंत्र पूजा में स्केलेटन की पूजा होती है। सर हो सकता है ये पीहू का स्केलेटन हो और काकोली ने तंत्र पूजा के लिए पीहू की बलि दे दी हो, और शायद इसी वजह से सौरभ और काकोली यहाँ किसी को आने नहीं देते थे। और इसका डीएनए पीहू के फादर के डीएनए से मैच करवा के देखो, और इस कमरे का चप्पा चप्पा छान मारो, शायद कुछ ऐसा मिले जो काकोली और सौरभ की लीड दे। ओके सर। काकोली प्लीज, इस तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनों से नाता मत तोड़। चाहे तो हमें लाख बुरा समझ, लेकिन तेरा बाबा तेरा भला ही चाहता है, प्लीज हमसे बात कर। भवानी सर, काकोली मैडम को 6 महीने से मनाने की कोशिश कर रहे थे, फोन से मिलती नहीं थी, तो भवानी सर अपनी सारी बातें एक पेपर पे लिख के उनके कमरे के दरवाजे के नीचे से सरका देते थे। उन चिट्स पर बहुत कुछ ऐसा लिखा था जिससे भवानी और काकोली के मन मुटाव की असल वजह की एक थ्योरी बनने लगी। लेकिन सर, सर भवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 16 अगस्त की रात तकरीबन 12 बजे के आसपास जलने की वजह से हुई थी। सर केरोसिन टिन पर भी भवानी के ही फिंगरप्रिंट थे। लेकिन सर भवानी के घर के पीछे जो हमें खिड़की खुली हुई मिली थी, उस पर सौरभ के फिंगरप्रिंट मिले हैं। सर सौरभ का ये कहना था कि वो उस रात काकोली को ढूंढने गया था। सर हो ना हो वो हमसे झूठ बोल रहा है। उसने हमें काकोली और भवानी के बीच हुए झगड़े की वजह बताने से भी मना कर दिया था। ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है। लेकिन इन चिट्स को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि काकोली और भवानी के बीच हुए झगड़े की वजह भवानी का नाजायज रिश्ता हो सकता है। ये देखो काकोली, तुम हमें गलत समझ रही हो। हमने तुम्हारी माँ को ना पहले धोखा दिया था और ना ही उसके मरने के बाद दे रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ इन चिट्स पर लिखा हुआ है। इसको पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि भवानी का शायद किसी के साथ कोई नाजायज रिश्ता था। मंजू, मंजू के साथ उसका अफेयर हो सकता है। वो पिछले 1 साल से उसके साथ रह रही थी, लेकिन गायब होने से पहले वहाँ पीहू का भी आना जाना था,
इस पीयू से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन निकालो। ओके सर। सर सर सौरभ का फोन कल शाम बांसजोड़ा में बंद हुआ था। उसका फोन बंद होने के 3 घंटे पहले उसे एक नंबर से कॉल आया था। उस समय सौरभ के फोन की लोकेशन करकेंद में थी, लेकिन उसके बाद से उसका नंबर बंद आ रहा है। करकेंद और बांसजोड़ा दोनों जगह पूछताछ करो, शायद सौरभ के बारे में कुछ पता चले। और ये पता लगाओ जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर किसका है। ओके सर। पुलिस ने जब उस नंबर के बारे में पता किया तो पाया कि वो नंबर फेक आईडी देकर खरीदा गया था। और वहीं जब पुलिस भवानी के दोस्त विक्रम से मिली तो उसने भवानी का किसी से भी रिश्ता होने से इनकार किया, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि जो चिट्स काकोली के रूम से मिली थी उनकी लिखावट भवानी की हैंडराइटिंग से मैच करती थी। पुलिस एक तरफ सौरभ और काकोली को ढूंढने का प्रयास कर रही थी और वहीं पीहू से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी निकाली जा रही थी। सर सर पीहू से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तकरीबन 6 महीने पहले 7 फरवरी को पीहू घर से निकली थी और 7 फरवरी को ही उसका फोन आखिरी बार रांची में बंद हुआ था। रांची में? पीहू के पेरेंट्स ने हमें बताया था कि वो भवानी के घर गई है, तो फिर उसके फोन का रांची में बंद होने का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर हो सकता है कि पीहू के माँ बाप हमसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि पीहू का सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक अकाउंट है और उसी अकाउंट के जरिए वो काकोली से टच में थी। सर जिस आईपी एड्रेस से लास्ट टाइम तक वो ऑपरेट कर रही थी अपना अकाउंट, वो आईपी एड्रेस रांची का ही था। झूठ नहीं बोल रहे हैं सर, हम विशाल से प्यार करते थे लेकिन हमारी फैमिली इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थी, इसलिए हमने और विशाल ने 6 महीने पहले भागकर शादी कर ली। पर सर उसके बाद से हमारा हमारी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है। अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन काकोली से तो तुम टच में थी? हाँ सर, हमारी फ़ोन पर कभी कभी बात होती थी। किस नंबर पर? हमने रांची आने के बाद एक नया नंबर ले लिया और उन लोगों ने भी एक नया नंबर ले लिया ताकि हमारे बारे में किसी को शक ना हो। वो नंबर दो। सर ये नंबर। तो इस नंबर पे तुम्हारी सौरभ या काकोली से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर काकोली से तो हमारी 6 महीने से कोई बात नहीं हुई। हम जब भी कॉल करते हैं तो सौरभ फ़ोन उठाता है और वो कहता है कि काकोली हमसे सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही चैटिंग करेगी, क्योंकि वो मौन व्रत रख कर कोई पूजा कर रहे थे। अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ रांची में रहती हो? हाँ शायद पता होगा, पर ये बात वो सबसे छुपाते होंगे क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी दूसरे जात के लड़के के साथ शादी करे, ये तो उनके लिए बदनामी की बात थी ना। मुझे तो लगता है वो सोचते होंगे कि उनकी बेटी मर गई। पीहू का बयान जो शक पैदा कर रहा था उसकी वजह जानने के लिए अब काकोली और सौरभ के रिश्ते को समझने की कोशिश की जा रही थी। काकोली के कमरे से बरामद हुआ था। सर पिछले 6 महीने से सौरभ काकोली के कमरे में किसी को जाने नहीं दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्केलेटन हमें काकोली के कमरे से मिला था वो काकोली का ही हो सकता है। उस स्केलेटन का डीएनए भवानी के डीएनए से मैच करके देखो, लेकिन अगर वो स्केलेटन काकोली का ही है तो काकोली को मारा किसने? सौरभ ने। लेकिन सर पूछताछ में तो ये बात सामने आई है कि सौरभ काकोली से बहुत प्यार करता था। साहब सौरभ अक्सर हमारे यहाँ से काकोली के लिए कपड़े लेके जाता था, उसे काकोली की एक एक पसंद पता थी। सर सौरभ भैया ना अपने लिए और काकोली दीदी के लिए रोज एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा ऑर्डर करते थे। सर सौरभ और काकोली दीदी पहले यही आइसक्रीम खाने आते थे, लेकिन जब से काकोली दीदी तंत्र मंत्र करने लगी तब से सौरभ उनके लिए आइसक्रीम पैक करवा के लेके जाने लगे। काकोली तंत्र करती थी? ये भी सौरभ का झूठ होगा, क्योंकि सौरभ के घर की खिड़की से पिछले 6 महीने से हवन का धुआं निकल रहा था। सर मुझे पक्का यकीन है कि ये हवन कुंड भी इसलिए जलाया जा रहा था ताकि लाश की बदबू को दबाया जा सके। सर सौरभ भैया हर हफ्ते 10 किलो हवन सामग्री और पूजा का सामान लेके जाते थे मुझसे। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 6 महीने से सौरभ काकोली की लाश के साथ रह रहा था, उसके लिए शॉपिंग करके उसके लिए पिज्जा ऑर्डर करके वो ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा था कि काकोली मर चुकी है। सर काकोली के कमरे से कुछ ऑडियो सीडीज मिली थी, उन ऑडियो सीडीज में काकोली की आवाज में गाने रिकॉर्डेड थे। सर हो सकता है कि वो गाने इसलिए बजाए जा रहे हों ताकि सबको ये लगे कि काकोली जिंदा है और अभी भी गा रही है। और शायद ये बात भवानी सेन को पता चल गई होगी और उसे जलाकर मारना भी सौरभ की कोई चाल होगी। पीहू ने हमें काकोली और सौरभ का जो दूसरा नंबर दिया था उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, ये पता लगाओ कि वो नंबर कब और कहाँ बंद हुआ था
शायद हमें सौरभ की कोई लीड मिले। मुझे लगता है सौरभ के साथ इस काम में कोई और भी शामिल होगा जो इस बारे में सब जानता होगा। ओके सर। पुलिस सौरभ के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाल ही रही थी कि तभी सौरभ को एक तांत्रिक के साथ देखे जाने की लीड मिली, जिसको कुछ दिन पहले भी वहां देखा गया था, और पुलिस को उस तांत्रिक के ठिकाने के बारे में पता करने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। चलिए बाबा जी, अपनी कथा शुरू कीजिए, नहीं तो हम अपना पूजा पाठ शुरू कर देंगे। साहब, सौरभ पूछा करता था क्या मरने के बाद किसी को जिंदा कर सकते हैं क्या, तो हमने कहा काकोली को वापस बुलाना चाहता है तो मान ले कि काकोली जिंदा ही है, तो वो हमारे पास आया। ना मिलने से कौन सी सुधरी बात, आज बिगड़ती है तो बिगड़ जाने बात। बाबा, अरे बाबा, अरे काकोली कहाँ है, कहाँ है काकोली? बाबा ये काकोली दीदी है तो उसका गुरु था और तुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है? नहीं साहब नहीं, हम तो बस इतना जानते थे कि काकोली मर चुकी है, फिर हमको लालच आ गया तो हमने फोन करके वापस बुला लिया। साहब हमने कहा काकोली को बुलाने के लिए एक विशेष पूजा करना पड़ेगा, उसका खर्चा है 5 लाख रुपया। दीदी का है? मालूम नहीं है। अरे दीदी का आवाज आता है, दीदी का है? हमारी दीदी का है? क्या ये सब? हमने परछाई दिखाई ना? हमें परछाई नहीं, हमें हमारी दीदी चाहिए। दीदी आप हमें उल्लू बना रहे हो, हमें दीदी हमारी दे दो, हमारी दीदी हमारी दे दो, हमें हमारी दीदी दे दो। साहब हमारे चेलों ने बड़ी मुश्किल से हमको छुड़ाया और फिर वो वहाँ से चला गया। चला गया या तू नहीं मार के उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया कहीं? नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाबा जी की सेवा करो अच्छे से, तब भी सत्य बोलेंगे ये। चलो बाबा जी। सर, सर सौरभ का दूसरा नंबर जो हमें पीहू ने दिया था वो बांस जोड़ों में उसी दिन बंद हुआ था जिस दिन पहला नंबर बंद हुआ था। सर उसके दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसके दूसरे नंबर पर भवानी की नर्स मंजू कॉल किया करती थी। मंजू? हाँ सर, हमारी उस नंबर पे सौरभ से बात होती थी। तुम्हारे पास उसका दूसरा नंबर कहाँ से आया? तुम्हें पता था ना कि सौरभ के रूम में वो स्केलेटन किसका है? बोलो। हाँ सर, वो हमको पहले ही पता चल गया था, पिछले 6 महीने से सौरभ उस स्केलेटन के साथ रह रहा था। और भवानी सेन, तुमने उसे इस बारे में नहीं बताया? नहीं सर, वो सौरभ ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम किसी को कुछ ना बताएं। रिक्वेस्ट की थी या तुम उसे ब्लैकमेल कर रही थी? ये तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट, 2.25 लाख रुपए हैं इसमें और एक 5 लाख की FD है, इतना पैसा कहाँ से आया? सर वो हम सौरभ से पैसे ले रहे थे लेकिन हम। तो वो स्केलेटन काकोली का ही था ना? लेकिन सौरभ ने कभी नहीं माना कि काकोली मर गई थी। मतलब? ना नहीं यार, इसके बारे किसी को बताना नहीं। लेकिन सौरभ काकोली के लिए तुम्हें और अपने पिता को कोस क्यों रहा था? सर दरअसल वो उनकी वाइफ की डेथ के बाद भवानी सर बहुत अकेले हो गए थे, तभी उनका और मेरा। तो ये बात काकोली और सौरभ को पता चल गई थी? हाँ सर, लेकिन भवानी सर उनका बुरा नहीं चाहते थे। लेकिन तुम तो बुरा चाहती थी ना, तुम भवानी सेन के साथ भी रिश्ता बना रही थी और सौरभ को ब्लैकमेल भी कर रही थी। नहीं नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, ये सब हालात तो खुद काकोली ने पैदा किए, वो अपने पिता को कभी समझ ही नहीं पाई, गुस्से में आकर खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, सौरभ ने उनको मनाने की कितनी कोशिश करी। आपकी हालत देखो कैसी हो गई है, कुछ तो खा लो दीदी। माँ की आत्मा की शांति के लिए मैंने व्रत रखा है, 11 दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। काकुली के व्रत के 7वें दिन उसकी मौत हो गई, सौरभ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसको हमेशा लगता था कि काकोली जिंदा है, उसने कभी माना ही नहीं कि वो मर चुकी थी। दीदी आपके लिए पिज्जा मंगाओ, आपकी फेवरेट पिज्जा। ये सब बातें सौरभ ने हमको खुद बताई थी सर, हमको खुद ही ये सब कुछ 3 महीने पहले पता चला था। लेकिन 16 अगस्त की रात
भवानी सेन को ये सब पता चल गया था। तो भवानी सेन का मर्डर तुमने किया या तुमने और सौरभ ने मिलके? नहीं नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं किया। उस दिन आपसे मिलने के बाद हमको सौरभ मिला था, उसने बताया कि भवानी सर ने आत्महत्या कर ली। सौरभ उनके कमरे में गया, बचाने की कोशिश की, लेकिन उनका रूम लॉक था। वो पीछे के रास्ते से गया तो वो भागकर ऊपर अपने कमरे में गया, लॉक किया और वहां से भाग गया। मंजू का बयान ये साफ कर रहा था कि वो स्केलेटन काकोली का ही था, और जल्द ही डीएनए रिपोर्ट से ये कंफर्म भी हो गया, और ये भी साफ हो गया कि काकोली की मौत कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने की वजह से हुई थी। लेकिन सौरभ अब कहां था, इसकी कोई लीड नहीं मिल रही थी। पुलिस के काफी दबाव देने के बाद भी भवानी की नर्स मंजू और तांत्रिक रति महाराज अपने बयान पर कायम रहे, और जल्द ही सौरभ की तलाश उसकी लाश मिलने के बाद खत्म हो गई। सर, सुबह हम यहाँ से जा रहे थे तब हमने इसकी लाश पानी में तैरते हुए देखी, तभी आप लोगों को फोन किए। आसपास सर्च करो। सर, बॉडी पे किसी तरह के चोट के निशान नहीं है, हो सकता है सुसाइड का मामला हो। ये भी तो हो सकता है कि इसे डुबाकर मारा गया हो सकता है इसे उस तांत्रिक ने मारा हो जिसे एक्सपोज कर सकता था, या फिर मंजू ने जो इसे ब्लैकमेल कर रही थी, या फिर इसका चाचा जो इसके मरने के बाद उस घर का अकेला मालिक बन जाएगा। सौरभ का फोन बंद हुआ बांसजोड़ा में और बॉडी मिली यहाँ पुटकी में। रवि, इन दोनों एरियाज में फिर से एक बार पूछताछ करो, जितने भी सस्पेक्ट हैं उनके कॉल रिकॉर्ड्स, एलिबाई, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब खंगालो, और इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। ओके सर। पुलिस हर संभावनाओं को खंगाल रही थी, लेकिन किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही थी, और सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही सामने आया कि सौरभ की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। ये साफ नहीं था कि सौरभ की हत्या हुई थी, लेकिन इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि शायद सौरभ ने इस बात को स्वीकार कर लिया हो कि काकोली अब कभी रोट कर नहीं आएगी, और इसी हताशा में उसने आत्महत्या कर ली। ये केस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन सौरभ के जो बयान सामने आए उससे यही माना गया कि अपनी बहन काकोली को खोकर सौरभ की हताशा उस बेतहाशा में बदल गई जिसमें अक्सर लोग अपने आप को अंधविश्वास में झोंक देते हैं, और जिसका फायदा रति महाराज जैसे लोग तो उठाते ही हैं, लेकिन एक जिंदगी के बदले कई और जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।